नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। जब 2021 की शुरुआत हुई थी तो लोगों की उम्मीद थी कि कोरोना को अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देश भर में कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन मार्च के आखिरी सप्ताह में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है और अब ये आलम है कि इस सप्ताह 5 दिन में कोरोना का आंकड़ा 5.5 लाख के पार हो चुका है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के आंकड़े 1 लाख के पार है और अब 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है कोरोना का मामला। महाराष्ट्र और दिल्ली का हाल देखते हैं तो बेहाल है। पुणे, महाराष्ट्र और दिल्ली से मजदूर शहर छोड़कर जा रहे हैं। कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है तो कई शहरों में टोटल लॉकडाउन लग गया, यानी 2020 की तरह तस्वीर समझ लीजिए। नाइट कर्फ्यू तो पूछे ही नहीं। कुल मिलाकर अब हर राज्य की कोशिश है कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगे। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सीएम योगी पहले की तरह सड़क पर उतर चुके हैं और एक्शन में भी दिख रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना को लेकर सावधान हो जाए, क्योंकि कातिल कोरोना कमबैक किया है। कोरोना ने भारत में जो रफ्तार पकड़ी है वो बेहद खतरनाक है। मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, यहां तक कि कुछ शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। अब कोरोना फिर से कब कंट्रोल में जाए इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन कई जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही की खबरें सामने आ रही है। एक बात तो साफ है, लापरवाही के साथ कोरोना को नहीं रोका जा सकता है और अब इस बात को जनता के साथ अधिकारी भी समझ लें, क्योंकि अब की बार कोरोना का प्रचंड वाला वार चल रहा है। कोरोना से फिर खतरे में जान, अप्रैल में वायरस कर रहा परेशान। कोरोना का देख कहर, मजदूर फिर छोड़ रहे शहर। देश भर में कातिल कोरोना की फिर से वापसी हो गई है। इस बार कोरोना वायरस ने जो रफ्तार पकड़ी है उससे हर दिन रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। इस सप्ताह कोरोना ने अब तक 4 बार 1 लाख का आंकड़ा पार किया है, जबकि हर दिन मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोरोना ने कैसे रफ्तार पकड़ी है देखिए। सोमवार 1,03,558, मंगलवार 96,982, बुधवार 1,15,736, गुरुवार 1,26,789, शुक्रवार 1,31,968। लगातार तीसरे दिन कोरोना ने न सिर्फ 1 लाख का आंकड़ा पार किया है जबकि संख्या भी बढ़ती गई है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ते गए तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना एक दिन में 1.5 लाख से 2 लाख तक पहुंचेगा। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से हर रोज 50,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 56,286 मामले। दिल्ली में पिछले 6 महीने के सभी रिकॉर्ड टूटे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8,474 केस। दिल्ली महाराष्ट्र के अलावा यूपी में भी अब कोरोना बेकाबू हो चला है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है, खुद सड़कों पर उतर आए हैं और जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में योगी प्रयागराज पहुंचे और खराब व्यवस्था के चलते सीएम योगी ने डीएम भानुचंद्र गोस्वामी को जमकर फटकार भी लगाई। प्रयागराज के बाद मुख्यमंत्री वाराणसी भी पहुंचे और कोरोना को लेकर जायजा लिया। एक तरफ योगी कोरोना से जंग में मुस्तैद हैं, खुद सब कुछ देख रहे हैं, तो लापरवाह अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बुंदेलखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एडवांस बुकिंग के बाद भी लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बुंदेलखंड में रोज 100 इंजेक्शन की मांग है, लेकिन इतनी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। बुंदेलखंड तो छोड़ दीजिए, शामली में तो लापरवाही की इंतहा ही हो गई। 3 बुजुर्ग महिलाएं कोरोना की वैक्सीन लेने पहुंची और स्वास्थ्य कर्मियों ने एंटी रेबिस का इंजेक्शन लगा दिया। कांडला सीएचसी का आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है।
कि जो शिकायत करता है पीड़ित पक्ष है उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरह से लापरवाही होगी तो फिर क्या कहा जाए। देश में कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है और रफ्तार कब कम होगी ये पता नहीं। इसलिए सावधान रहिए, खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कातिल कोरोना कमबैक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो कोरोना की जो दूसरी लहर देखने को मिल रही है, जिसे सेकेंड वेव कहा जा रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में मीटिंग्स का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे, प्रयागराज में डीएम से मुलाकात की है, समीक्षा बैठक की है, टीम 11 की टीम से बातचीत की है और संदेश भी जारी किया गया है कि लोग कैसे अपने आप को कोरोना से बचाएं। वहीं दूसरी तरफ कल देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और कोरोना कर्फ्यू का भी जिक्र किया था जो रात में लगा हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र दिल्ली में तो कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 56,286 मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली में पिछले 6 महीने के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 8,474 केसेस सामने आए। तो ये अलग अलग जगहों के आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देश के 12 राज्यों में लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में तो वीकेंड लॉकडाउन भी लग चुका है, नाइट कर्फ्यू की स्थिति महाराष्ट्र में भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है। तो कोरोना का कहर देखिए, हरियाणा में 3,230 लोगों की मौत हो गई है, पंजाब में कोरोना से 7,334 लोगों की मौत हो गई है। और इसी पर चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी को ओपन लेटर लिखा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना का कमबैक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अनीता अग्रवाल जुड़ गई है, कांग्रेस से अलका लांबा जी जुड़ी हुई है, नाहिद अलारी खान सपा से जुड़ी हुई हैं, लवलीन मंगल मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर एम वाली सीनियर फिजिशियंस हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस सबको समझेंगे, पहले एक रिएक्शन में डॉक्टर से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर लवलीन जी, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या समझा जाए इसे? सरकार अवेयरनेस ड्राइव चला रही है लेकिन जो लोगों में डर है वैक्सीनेशन को लेकर, उसे कैसे दूर करेंगे हम और आप? देखिए, वैक्सीनेशन के डर में मुझे समझ नहीं आता कि अब किस चीज़ का डर है। ऐसे अगर शुरू में जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तब हम डर समझ भी सकते थे। आज वैक्सीनेशन जो है हमारे करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं, खाली इंडिया के नहीं, ये हमारी जो वैक्सीन्स हैं ये बाहर के देशों में भी लग रही हैं, वहाँ पर भी लोग ले चुके हैं। इनफैक्ट मैं भी बैठा हूँ वैक्सीन लेके, मुझे 2 महीने हो गए, हमें तो कुछ नहीं हुआ। और ऐसे मेरे को भी कोई कभी किसी को एक बुखार, थोड़ी बहुत समस्याएँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, वो तो आप सिंपल एक पैरासीटामोल की टैबलेट भी घर पे लेते हैं, उसके साथ भी कभी कभी कुछ लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कोई ऐसा मेजर उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और कोरोना से ही डर नहीं है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि कोरोना उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने घरों में कुछ की लॉस हुई है, लाइफ जिनकी यहाँ पर कोई डेथ हुई है, उनसे जाके पूछिए कि कोरोना क्या है। और अगर उसके बाद स्वाति, वही ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं, जो विक्टिम रहे हैं इस केस के, उनसे हालचाल जानना चाहिए। डॉक्टर स्वाति, इसका समाधान क्या है? आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरी लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है, चाहे मेट्रो सिटीज की बात की जाए या टायर 2 सिटीज की बात की जाए, स्थिति जस की तस बनी हुई है, ठीक वैसी जैसी आज से 1 साल पहले थी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त दोनों को ही साथ आना पड़ेगा। चाहे हम जनता की बात करें तो एक जन भागीदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप लापरवाही देख रहे हैं और एक एटीट्यूड है लोगों के मन में कि जिस तरह से हमने लास्ट वेव को हैंडल कर लिया था और भारत में ज्यादा संक्रमण नहीं बढ़ा था, वैसा ही लोग मान के चल रहे हैं कि शायद अब भी होगा। लेकिन अब स्ट्रेन आ गए हैं और अब स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि पहली वेव में थी। वही आप देख रहे हैं कि सरकार को भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि टेस्टिंग और जो इस वक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है वो बढ़ाई जाए बहुत ज्यादा, और हॉस्पिटल्स की जो अब कमी महसूस हो रही है, बेड्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, उसकी तरफ भी दोबारा ध्यान देने की बहुत
बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करिए ताकि लोगों में पैनिक ना हो, लोग समझ सके कि ये हमारे पास जगह है जहां हम जा सकते हैं, हमें इलाज मिल सकेगा। साथ ही वैक्सीनेशन को भी और तेज करने की जरूरत होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है हमारी, शायद वहां पर हमें अपने वैक्सीनेशन की जो पूरी हमारी इस वक्त पॉलिसी है उसको में भी कुछ फेरबदल की जरूरत होगी। और मुझे लगता है कुछ और वैक्सीन अब कगार पर खड़ी है जिन्हें की अब अप्रूवल दे सकते हैं, और सरकार जरूर कोशिश कर रही होगी कि अब जल्दी ही कुछ और वैक्सीन को भी हम अप्रूवल दें ताकि हमारे पास और ज्यादा वैक्सीन डोजेस अवेलेबल हो और हम केवल दो वैक्सीन पर निर्भर ना रहे। तो ये भी एक बहुत जरूरी स्टेप है जो सवाल किए जा रहे हैं, और ये सवाल बाकी राष्ट्रों से भी सामने आया। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने तो साफ तौर से कहा है, अलका लांबा जी, कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन को देखते हुए, जो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है उसको देखते हुए सिर्फ 1,04,00,000 के आसपास डोजेस दी गई है। वहीं गुजरात की पॉपुलेशन महाराष्ट्र की पॉपुलेशन से आधी है, 6 करोड़ की पॉपुलेशन जनसंख्या है, उनको भी सेम नंबर ऑफ डोजेस दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां सरकार बनी है वहां वहां खाली डोजेस दी जा रही है, बाकी राज्यों में एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। देखिए कंचन जी, आंकड़े बताकर आप ही ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन का राजनीतिकरण सबसे पहले किया किसने था। बिहार का चुनाव याद रखिए, विदेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भाजपा के घोषणा पत्र पढ़ती है और विश्वास दिलाती हैं वैक्सीन आएगा तो सबसे पहले मुफ्त और सभी को बिहार में लगेगा। राजनीतिकरण तो वहां से शुरू हो गया था। अभी आप ही का ट्विटर हैंडल देख रही थी, आपके दर्शकों को कहूंगी आपके चैनल का ट्विटर हैंडल देखे, लोगों के सिर पे ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है। दो बड़े नेताओं के ट्वीट आप ही ने किए, एक है भाजपा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और दूसरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। दोनों के मुंह पे मास्क नहीं है, आप ही ने जो वीडियो शेयर आपके हैंडल से हुआ है, दोनों का सामाजिक दूरी किसी तरह का सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन जब सर्वोच्च पदों पर बैठे नेता कर रहे होंगे तो जनता के ऊपर क्या कहें। जनता तो बेचारी इंदौर के चौराहे पर पिटती हुई दिख रही है हमें। अब वैक्सीन की बात कर रही है कंचन जी, आपने जो आंकड़े बताए ना, मैं आपसे पहले किसी और चैनल पर थी, वहां जिस एंकर को मैंने ये आंकड़े बताए उन्होंने कहा अरे 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 आप तो पैनिक क्रिएट कर रही हैं, आप तो डरा रही हैं। मुझे लगता है अगर हकीकत बताना, पैनिक करना है तो हकीकत बताएगा कौन कि वैक्सीन आपने 9 करोड़ अपने लोगों को लगाई है, भारतीयों को, और 6 करोड़ से ऊपर अपने हाथ काट के। लेकिन अलका जी एक बात ये भी नहीं समझ जाए, क्योंकि विपक्ष ने वैक्सीनेशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर जल्दबाजी क्यों है। जो सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बनाई गई थी उसका जब ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ था और उससे पहले ही डोजेस लगने शुरू हो गए थे तो विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था कि क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है। और आज मैं राहुल गांधी का ट्वीट देख रही थी जिन्होंने किया है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं है। क्योंकि कल इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था जब वो राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे और एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि टीकाकरण को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे और अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने और उस पर कई सारी चर्चा भी हुई थी, कई सारे रिएक्शंस भी मिल रहे थे कि आखिर जब अपने देशवासियों को ही वैक्सीन पूरी नहीं पड़ रही है तो इसका एक्सपोर्ट क्यों। जो लगता है आपके दर्शकों के ऊपर तय करना छोड़ दे कि वो तय कर ले कि राहुल गांधी जी ने ये सुझाव देकर केंद्र की मोदी सरकार को सही किया या गलत किया कि आप अपने देश 134 करोड़ का देश है, मात्र 9 करोड़ को अभी तक वैक्सीन लगा है और आप 6 करोड़ से ऊपर बाहर भेज चुके हैं तो बाहर मत भेजिए, ये राहुल गांधी जी का कहना सही है या गलत है। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ने हाथ खड़े कर दिए, 3,000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगी है, हम ये कह दें उन्हें मदद की जानी चाहिए ताकि वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है कम ना हो। दूसरा, भाजपा की प्रवक्ता ने ही कहा है राहुल गांधी जी की बात पे कि दूसरी जो कंपनियां हैं उन्हें भी आप कंसिडर करिए, वो भारतीय कंपनियां हैं, वो कौन सी कंपनियां, ये इस सरकार के पास लिस्ट है कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। राहुल गांधी जी ने यहां तक कहा है कि राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए कि किसको लगनी है, कितनी लगनी है, किससे खरीदनी है, लेकिन ये सारे प्रोक्योरमेंट खरीदेगी केंद्र सरकार, बांटेगी केंद्र सरकार और नियम कानून भी केंद्र सरकार लागू कर रही है, जिससे महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं है कंचन, वहां के लोगों की बात है। आप हम जानते हैं सबसे ज्यादा अगर किसी को कोरोना की मार पड़ी है वो महाराष्ट्र के लोगों को पड़ी है, एक एक परिवार में दो दो लोग खत्म हो चुके हैं और मुझे लगता है सबसे ज्यादा मलहम की किसी को जरूरत है वो महाराष्ट्र के लोगों को है, इसलिए उनकी आवाज उठाना
मैं कहती हूँ महाराष्ट्र की सरकार की बात करना नहीं है, लोगों की बात करना है। जहाँ सबसे अधिक जरूरत है वहाँ मदद कीजिए, राजनीति से ऊपर उठ कर करिए। हम तो सिर्फ यही मांग रहा हूँ। महाराष्ट्र में मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नाहिद दारी खान से रिएक्शन लेना चाहती हूँ। सरकार की तो यूपी में योगी सरकार की तो हर तरफ तारीफ हो रही है नाहिद जी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, WHO, हॉपकिंस, हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को लेकर सबसे अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी इस पर। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित अन्य तमाम जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, आगरा में 2000 ऐसे सेंटर्स हैं। कानपुर के केंद्रों में जो है नोटिस चपका दिया कि यहाँ वैक्सीन नहीं है। लखनऊ में तमाम CHC है और तमाम निजी केंद्र जहाँ वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। तो ये अनेकों जिले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से लेकर वाराणसी और तमाम जिले जहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है। और अब आपका चैनल दिखा रहा था कि 3 वृद्ध महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की जगह टीके का वैक्सीन लगा था, उनकी स्थिति भी गंभीर है, रिएक्शन हो गया है। तो इस तरह की बद इंतजामी है। आप ये समझे कंचन जी कि होली से पहले ही तमाम क्या चैनल पर आ गया था कि कोरोना का असर होली के बाद को मिलेगा, और दिख भी रहा है। इस तरह से कोरोना केसेस पूरे इंडिया में बढ़ रहे, 1,25,000 हो गया 24 घंटे में, 780 लोगों की मृत्यु हो गई। तो जब ये भी मीडिया हाउस में पहले से आ रहा है कि कोरोना अभी जब सेकंड वेव आई वो और ज्यादा भयावह खतरनाक, तो क्यों नहीं पहले से इस पे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया या एडवाइजरी जारी की, भाई कोई भी प्रॉब्लम है उसको संभालते। लेकिन ये सब करने के लिए इनके पास टाइम क्या है? चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके पास टाइम क्या? ये तो वोट वोट खेल रहे, तमाम राज्यों में जा रहे हैं। स्वाति महेश्वरी जी, जनता की कितनी बड़ी गलती से समझा जाए। एक बरेली से वीडियो आई है, वो मैं दिखाना चाहूंगी, आप सब उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहने हुए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये धज्जियां इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि क्या हालात हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, और वो गुस्सा इस तरह से कुछ सामने आया कि इन तस्वीरों में आप ये बरेली की तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कुछ ने मास्क नहीं लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हम कहां शून्य हैं वो देखिए। बहरहाल स्वाति महेश्वरी जी, अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि मुझे याद है ठीक एक साल पहले हम सब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे। आए दिन, आए हर मोमेंट में, हम बाहर जाएं हम अंदर जाएं, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल होता था। क्या हम उस स्थिति में है कि हम लॉकडाउन अफोर्ड कर सकते हैं दोबारा? क्योंकि कई जगहों पर तो नाइट कर्फ्यू हो गया है, वीकेंड कर्फ्यू भी हो गया है, लेकिन हम और आप की गलती कहां रही है कि हम जनता को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, और वो स्थिति अब जनता में नहीं देखने को मिल रही है जो एक समय पर थी। देखिए, मुझे लगता है कि अवेयरनेस में कमी नहीं है, लेकिन हम जान बुझ के आंखें अपनी बंद करे हुए हैं। अगर आप देखिए तो कोई भी ऐसा, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी इस वक्त माध्यम ऐसा नहीं है जहां से कोरोना के बारे में जानकारी लोगों को नहीं दी गई हो या उन्हें नहीं बताया गया हो कि क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में यह धारणा आ गई थी कि वैक्सीन आ गई है, भारत में संक्रमण कम हो रहा है, तो अब भारत में कोरोना खत्म हो गया, और इसलिए लोगों ने स्वेच्छा से जो है दोबारा अपना नॉर्मल जीवन जो है उसकी तरफ चले गए, दोबारा से इधर उधर मिलना जुलना शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन की आपूर्ति कहां और अलका लांबा जी, महाराष्ट्र 12 करोड़ की जनसंख्या, वहां 1,04,00,000 के कुछ डोजेस दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र सरकार ने सरकार को पत्र लिखा है और मांग की है कि 1 करोड़ डोजेस उनको भी चाहिए, उनके पास स्टॉक में सिर्फ 4-5 लाख डोजेस बचे हुए हैं। तो वैक्सीनेशन की आपूर्ति राज्यों में नहीं हो पा रही है, जैसी जनसंख्या है उस हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चल रही है। लेकिन सरकार का तो साफ तौर पर यह कहना है कि हम हर राज्य को जनसंख्या के हिसाब से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वैक्सीन भेज रहे हैं। अलका जी, कंचन जी, अगर इस रफ्तार से चले ना, जिस रफ्तार से चल रहे हैं, 3 महीने में भी
पूरी कुल आबादी के 1% को ही टीका लगा हुआ। वहीं अमेरिका जैसे देश ने इतनी गंभीरता से लिया और अपने 50% लोगों को, 20 करोड़ के करीब लोगों को लगा भी चुका है। हमारे यहाँ पर राहुल गांधी जी ने 8 महीने पहले ट्वीट करके कहा था, हमें अपने वैज्ञानिकों पर, अपनी कंपनियों पर जो वैक्सीन बना रही है, यकीन है वैक्सीन आएगा ही आएगा, आप नीति बना लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे मिलेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या उसका देख रेख रख रखाव होगा। लेकिन उस समय भी राहुल गांधी जी को और आज भी जो राहुल जी ने सुझाव दिए उनके सवालों के जवाब नहीं, तो पूरी की पूरी रविशंकर प्रसाद, स्मृता ईरानी बवाल कर रही हैं। जब सवालों के जवाब ना हो तो बवाल खड़ा कर दीजिए। बात राहुल गांधी जी की है, देश से पूछिए। आज आपने ही आंकड़े बताए हैं कि पिछले 5 दिन में 5 लाख लोग देश में संक्रमित हुए हैं, आज ही 1,27,000 लोग हुए हैं, तो 5 दिन में 5 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक के सबसे ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी, हमीरपुर के डीएम को कोविड हो गया है, कुछ और भी जिले हैं जहां पर डीएम कोरोना की चपेट में आ गए हैं, वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके थे, केजीएमसी के डॉक्टर्स हैं वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं जो नाइट कर्फ्यू का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनके हालात की समीक्षा कर रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, इन सबको पहले ही डोजेस लगे जा चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो यूपी सरकार, योगी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि लखनऊ में अगले 3 दिन में कोविड अस्पताल की तैयारी की जाए, बेड्स और सभी चीजें मेंटेन की जाए। लेकिन कोरोना के आंकड़े और खासकर अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं। पूरी तरह से सरकार गंभीर है, सब कुछ। आप देखिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की जनसंख्या बिल्कुल कम है, लेकिन वहां कोरोना की स्थिति आप देखिए बेकाबू है, जो संभाल नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, उसके बाद भी काफी संभाल के चल रहे हैं। देखिए, इसमें हमें बहुत कुछ ऐसा चाहिए कि हमें अपने आप की सेफ्टी खुद भी करनी। सरकार अपना काम गंभीरता से कर रही है और जनता को भी गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा। जैसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कि आप ये काम मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन बच्चे मानते नहीं। कोई हाल जनता का है, जनता को समझाया जा रहा है कि जरूरत हो तो आप घर से बाहर निकलिए। ठीक है, हाइजीन और सैनिटाइजेशन की तो जरूरत है, लेकिन वैक्सीन वाले सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया। कातिल कोरोना का कमबैक हो गया और देखिए कोई रोकथाम नहीं है, लोग सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ना कोई नया अवेयरनेस प्रोग्राम जारी किया गया है, बार बार सरकार समीक्षा बैठकें ही कर रही है, लेकिन सिर्फ समीक्षा बैठक से काम नहीं चलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल वैक्सीनेशन को लेकर उठ रहा है। और डॉक्टर लवलीन, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम है लोगों में, वो कब खत्म होगा? एक तो वैक्सीनेशन की राज्यों में आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये भी बहुत बड़ा संकट सामने आ रहा है। मुझे लगता है आपूर्ति तो ये पूरी हो जाएगी वैक्सीनेशन की, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे खुद हो रही है, तो वो थोड़े टाइम में हमें मिल ही जाएंगी। और अभी तक जहाँ तक है वैक्सीनेशन बहुत ही एनएफ सप्लाई में बहुत ही मिली हैं, और अभी भी जो ये डर है ये खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पर डे के बेसिस पे हम उस हिसाब से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं जिस हिसाब से हर दिन के हिसाब से लगनी चाहिए, वो स्टैट्स में जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर मैं सुनना चाहूँ तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोग थे, जब हम बैठे थे कि वैक्सीनेशन हाउस में, वहाँ पे लोग बैठे हैं और वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, कई लोग नहीं लगवा रहे थे। लेकिन जब से हमने देखा है कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए, धीरे धीरे लोगों में डर बैठा है और धीरे धीरे लोगों की जो वैक्सीनेशन की लाइन और लोगों की जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ते चले गए हैं। ये अगर पहले से ही वैक्सीन लगवा लेते तो आज शायद वो टोटली सेफ होते, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से एकदम से नहीं है कि आज मैंने वैक्सीन लगवा ली और कल मेरे को इम्यूनिटी मिल गई, उसके बाद भी आपको मैजिक तो है नहीं। हाँ, 6 से 8 हफ्ते आपको कम से कम लगेंगे उसमें वैक्सीन में आपको इम्यूनिटी डेवलप करने में। आज भी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, उसके बाद मतलब 1.5 से 2 महीने, 1 महीने तो मेरा रिस्क रहेगा ही रहेगा। और अगर अभी भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी क्योंकि खबरें ये भी है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दोबारा कोविड हो रहा है, उनको हो रहा है, तो फिर उनको इन्फेक्शन जो हो रहा है वो बहुत ही माइल्ड कैटेगरी का हो रहा है, उसमें आपको सीवियर कैटेगरी का इन्फेक्शन नहीं हो रहा। हमें देखिए, कोविड को अगर आपकी कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है तो ही सबसे ज्यादा डर है, उसी में ही डेथ्स होती हैं, उसी में आपको आईसीयू में एडमिशन होता है। अनीता जी, आखिर क्यों बार बार महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वैक्सीनेशन सिर्फ जो बीजेपी शासित राज्य है उनको दिया जा रहा है, हालांकि बार बार डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात को नकारा है और कहा है कि हर किसी को जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त
जोर डालने की जरूरत महाराष्ट्र पे है, क्योंकि महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 57,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रोकथाम के लिए क्या सख्ती अपना रही है केंद्र सरकार? सुनिए कंचन जी, मैं कहना विपक्ष जो है, जो राज्य है वो राजनीति कर रहे हैं, जो विपक्ष के शासित लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं, इसमें साफ साफ राजनीति कर, हम लोग सबको हमारी सरकार। अलका रामबा जी, क्या विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, कोविड जैसे मुद्दे पर, जब विपक्ष को एक साथ एकजुट होना चाहिए, तो बीजेपी की तरफ से तो ये कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी ने ओपन लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। अलका जी, नहीं कंचन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी के पत्र में जो प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिए गए हैं, राजस्थान में एक भी लाइन ऐसी बताइए जो राजनीति करती हो? नहीं, ये तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। 35,000 करोड़ का फंड नाकाफी है, उसे बढ़ाना चाहिए। 35,000 करोड़ का फंड वैक्सीन के लिए कम है पूरे 134 करोड़ की आबादी के लिए। उन्होंने यही तो कहा है कि महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कितने वैक्सीन खरीदे, किस किस को लगाए, लेकिन ये केंद्र तय कर रहा है, इसलिए राज्य सरकारें जो है पूरी तरह केंद्र पर निर्भर हो गई हैं और अपने लोगों को जो है वो मुसीबत से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें कहां गलत कहा है कि जो और दूसरी वैक्सीन कंपनीज हैं उनको भी आप पूरी तरह प्रोसीजर फॉलो कराकर इजाजत दे दीजिए। ये कहां गलत किया कि विदेशों में जो आप वैक्सीन भेज रहे हैं, आज जब देश में सबसे ज्यादा जरूरत है उसे निर्यात बंद कर दीजिए, इसमें कहां राजनीति है? मैं बताइए, ये तो बड़ा सवाल राहुल गांधी ने उठाया है कि जो वैक्सीन विदेशों में भेजी जा रही है आप एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं, देशवासियों का भी तो सोचिए, राज्यों की तो कंप्लेन, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात के हालात देखिए, तमिलनाडु के हालात देखिए, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो देश पर क्या क्या, क्योंकि सीएम की तरफ से तो कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रधानमंत्री सारे ही प्रदेशों में बराबर वैक्सीन भेज रहे हैं, बराबर लोग, देखिए वहाँ पे पंजाब में भी दे रहे हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं, हरियाणा में भी, सब जगह जा रही है, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम भी चलते हैं। ऐसा नहीं तो अपने देश को दे बाहर ना दे, हम अपने देश में पूर्ति कर रहे हैं, अब यहाँ पूर्ति नहीं है। और लेकिन हमने ये भी कहा वैक्सीन के बाद भी रिस्क है, उसके बाद भी आप अपनी परहेज रखिए, आप लेकिन ऐसा नहीं कि वैक्सीन करने के बाद बिल्कुल सिक्योर हो गया, आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, उसके बाद भी मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन हाँ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, आपको अपने आप से परहेज करके चलनी है। अलका जी, चूक कहाँ हुई है, क्योंकि सरकार तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला रही है, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देश भर की बात की जाए तो 12 राज्यों में लॉकडाउन हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 7-8-9 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, महाराष्ट्र का तो हाल आप देख ही रही है, सबसे ज्यादा कोविड के केसेस वहां से आ रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू है, कम्प्लीटली वीकेंड लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, चूक कहाँ हो रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जनता के साथ साथ सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बन रही है। महाराष्ट्र में जो तस्वीरें हमने देखी है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कंचन जी, जनता से पूछिए कि आज ही के दिन 9 अप्रैल 2020 को जब 1,000 मामले नहीं थे, संपूर्ण भारत लॉकडाउन, आप समझ रहे, उसके बाद दूसरी लहर में हालत क्या हुई, एक दिन में 1,27,000 मामले आ रहे हैं, 700-800 लोग रोज मौत के कागार पर खड़े हुए हैं। आप ये अब ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं ना, संकेतिक लॉकडाउन हो गया, 2 घंटे के लिए हो गया, कर्फ्यू हो गया, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसको जैसा समझ आ रहा है वो किए चले जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप चुनावी रैलियां देखिए, आप लोगों को कह रहे हैं कि लापरवाही कर रहे हैं, पर सर्वोच्च पदों पर बैठे नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बिना मास्क के सामाजिक दूरी के जा रहे हैं। लोगों को तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल परवाह, जान हथेली पर रख दी है कि उनके लिए रोजी रोटी ज्यादा जरूरी होगी, उनको लग रहा है यूं नहीं मरेंगे तो भूखे मर जाएंगे, इसीलिए महाराष्ट्र में पलायन का समस्या दोबारा शुरू हो गई है। आज ट्रेनों की हालत देखी महाराष्ट्र से जो लोग निकल रहे हैं कि पता नहीं हालात बदतर हो रहे हैं, उसमें वो वहां उनको लगता है कि हम अपनी जान तो गवाएं, घर पे जान गवाएंगे भुखमरी से, लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था भारत सरकार की नहीं है। महाराष्ट्र में तो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन जो हालात महाराष्ट्र में जो तस्वीरें देखी है, दुख देती है वैसी तस्वीरें कि कोविड में कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर समझा जाए
कि इतने सारे लोगों को बैलेंस नहीं कर पाई है, अचानक से लॉकडाउन घोषित कर देना, कितने सारे लोग महाराष्ट्र से पलायन करके अपने गांव को जाने को मजबूर है, उनको सरकार अश्योरेंस क्यों नहीं दे पाई है? कंचन जी, मैं आपको कहूंगी, महाराष्ट्र के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हुए और सबसे ज्यादा मौतें भी है। अब उन सबको नजरअंदाज करके ये देखिए कि ठीकरा किसके सर पे फोड़ना है, केंद्र या राज्य सरकारों के बीच में फुटबॉल बनाए नहीं, वैक्सीन और टेस्टिंग किट ये दोनों केंद्र ने शुरू से अब तक अपने हाथ में रखी है। टेस्टिंग किट भी वही देंगे, वैक्सीन भी वही देंगे। राज्य सरकारों के पास इस चीज की कोई आजादी नहीं है कि वो अपनी टेस्टिंग किट, अपनी वैक्सीन खरीद सके और खुद अपने मुताबिक। क्योंकि महाराष्ट्र में अलका जी ये भी आया है कि महाराष्ट्र में कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए क्योंकि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है बहुत। उड़ीसा में भी 700 केंद्र बंद हो गया, महाराष्ट्र में भी 7 लाख वैक्सीन अब दी गई है, पहले भी दी गई, मैं नहीं कह रही अब 7 लाख दी गई है, यूपी को 40 लाख दी गई है। उनका कहना हमारा प्रतिदिन कंजप्शन महाराष्ट्र का 5 लाख वैक्सीन। नहीं तो क्या आपका कहने का मतलब है कि सरकार भेदभाव कर रही है? ये तो आंकड़े बता रहे ना, मैं नहीं कह रही, जनता तय कर ले। आपने ही कहा गुजरात की आबादी और महाराष्ट्र की आबादी, गुजरात को कितनी मार पड़ी है और महाराष्ट्र को आज सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, मानवीय आधार पर वो तय करें। भूल जाएं किसके राज्य में किसकी सरकार है, सबसे ज्यादा संक्रमण कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर मौत पे जा रहे हैं जिन्हें वैक्सीन की जरूरत है। मुझे लगता है नियम कानून 18 से ऊपर वालों को महाराष्ट्र की सरकार, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मानती है कि 18 से ऊपर सबको लगनी चाहिए। ये नियम कानून राज्य सरकारें तय करें, केंद्र सरकार नहीं तय करे। अगर दिन में 10 लाख महाराष्ट्र लगाना चाहता है तो केंद्र प्रतिदिन 10 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र को दे, ये केंद्र सरकार से हमारा कहना है। अनिता जी बताइए, यहाँ पर डिमांड रखी जा रही है कि ये राज्यों पर निर्भर करना चाहिए, जिस राज्य की आबादी जैसी है उस तादाद के हिसाब से वैसी वैक्सीनेशन ड्राइव चलनी चाहिए, आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जो आंकड़े हैं। मैंने क्या बताया कंचन जी, पहले सुन लीजिए, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी इनकी सरकार है, सब जगह दी जा रही है, केवल महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार होने के नाते वो इसको वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, बाकी जगह जो है बाकी मुख्यमंत्री संतुष्ट है, वहाँ तो मिल रही है, कांग्रेस की जो है और सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बात की है और सबको दी जा रही है उसकी, ये बिल्कुल गलत है, इसको केवल राजनीति कर रहे हैं, केवल विपक्ष। अलका जी जवाब दीजिए। कंचन जी, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है, इसका खामियाजा जनता को क्यों भुगतना पड़े? ये जरूरी है, सवाल है। भ्रष्टाचार की बात है, राफाल में 1 मिलियन पाउंड के दलाल की खुद प्रधानमंत्री जी ने खाई है दलाल के द्वारा, आज सारे कागज कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता से रख दी है कि कौन दलाली खा रहा है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए लोगों को इसका शिकार अपनी राजनीति का मत बनाइए। केंद्र में रहता है सीबीआई, ईडी, सब पर आपका कंट्रोल है, इसका आपने पूरे चुनावों में भरपूर इस्तेमाल किया है, आगे भी कीजिए, लेकिन लोगों को बख्शिए कोरोना की लड़ाई को। अनिता जी देखिए, जो तमाम रैलियां हो रही है बंगाल में, एक तरफ तो सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, लखनऊ में इस बात की घोषणा कर दी गई है कि 3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाए, तो सरकार काम कर रही है, WHO ने यूपी सरकार की तारीफ की है, हॉपकिंस की तरफ से, हार्वर्ड की तरफ से यूपी सरकार की तारीफ की जा रही है, लेकिन बंगाल में जाकर क्या हो जाता है? न कोई मास्क, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, क्या संदेश दे रहे हैं आप सब? देखिए ऐसा है, मैं बंगाल में ऐसा नहीं है कि पूरे देश में जो स्थिति है वो बंगाल में भी है, लेकिन बंगाल में आप ये कह रही कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, वहाँ सभी पार्टियां लगी, चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव, और अगर नहीं चुनाव कराएंगे तो यही विपक्ष। अरे कोविड गाइडलाइंस का तो आप लोग पालन करेंगे ना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कोविड लाइन का गाइडलाइन का तो पालन करेंगे ना अनिता जी, हम सब लोग, ये कोविड में क्या राजनीति हो रही है? नहीं नहीं कंचन जी, सब जगह कोविड लाइन पालन किया है, सबको कहा जा रहा है कि आप अपनी सेफ्टी, कहा जा रहा है, तो जब नेता ही ऐसे करेंगे, नेता राजनेता ऐसे करेंगे तो आम जनता किसे फॉलो करेगी? नेता सब ऐसे करें, वहाँ की जनता को भी चीज को समझना पड़ेगा। बताइए। नहीं नहीं, वैक्सीन तो भरपूर है, तो इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश की 3 बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की बजाय शामली में क्या हुआ, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आज आप ही के चैनल पे, सारे चैनल पे 3 शामली में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की अनिता जी, बुंदेलखंड में क्या हुआ,
इंजेक्शंस की कमी है। शामली में कोविड इंजेक्शन लगाने पहुंची थी महिलाएं, 3 महिलाओं को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बर्दाश्त की जाएगी? अब डॉक्टर को नहीं पता कौन सा वैक्सीन लगा रहा है, वापस उसकी कार्रवाई होगी, जांच होगी। जहाँ पे इस तरह का काम हो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देगा, उसको पूरा जांच होगी, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ये तो बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूल हुई है, लापरवाही है। हम भी जिसको मानते हैं, इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी। नाहिद जी, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, 3 दिन में 3 नए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की है। नाहिद लारी जी, एक एक करके बात कीजिए। अनीता जी, आपकी बात सुन ली गई है, बताइए बताइए। नाहिद जी सवाल खड़े कर रहे हैं। अनीता जी, आपकी बात सुन ली गई है, 2 मिनट का वक्त दीजिए, बताइए। नाहिद जी बताइए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तो इनके पास टाइम नहीं है, चुनाव चुनाव खेल रहे हैं, इनके पास वक्त ही नहीं है कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर टाइम दे। कोरोना क्यों टीम 11 के साथ बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? वाराणसी पहुंचे थे, विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद कोविड के मामले में समीक्षा की है, प्रयागराज में डीएम से बातचीत की है, बंगाल छोड़कर सीधे उत्तर प्रदेश कल पहुंचे थे। तो कोविड पर तो काम कर रही है सरकार, जिसकी सराहना WHO कर रहा है, यूपी की सराहना हॉपकिंस सावट कर रही है, उसकी सराहना आप क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी तो हफ्ते में 3-4 दिन यूं ही कोरोना गोरखपुर चले जाते हैं, उनको वास्तविकता में आज अरे सांसद रहे हैं 2 दशक से ज्यादा समय से वो गोरखपुर के, आखिर उनका क्यों नहीं जाए गोरखपुर? आखिर उनका मां क्या कीमती सामान रखा है कि बार बार, जब कोविड काल में उनके पिता का निधन हो गया था तब तो वो गोरखपुर नहीं पहुंचे थे और इतना बड़ा संदेश गया था पूरे प्रदेश को, तब इस चीज की सराहना क्यों नहीं की गई थी आपकी तरफ से? तब पार्टी ने क्यों नहीं एक ट्विटर रिलीज किया था आपकी तरफ से? आपने कंचन जी, आपने अच्छी बात बता दी, और इस सेकंड वेव जो और खतरनाक है, तो योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में जो है जाकर छोटी छोटी, आज जब वाराणसी गए थे तो क्यों नहीं जिक्र कर रही हैं आप? प्रयागराज गए थे उसका क्यों नहीं जिक्र कर रही हैं? टीम 11 से बातचीत हुई, समीक्षा बैठक हुई, उसका क्यों नहीं जिक्र कर रही हैं? लखनऊ में अगले 3 दिन में 3 कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाए, उसका क्यों नहीं जिक्र कर रही हैं आप? उनका भी तो जिक्र कीजिए कंचन जी। वो दिखावे में आज प्रयागराज गए थे, दरअसल उनको गोरखपुर जाना था, और वो केवल आज के वो हफ्ते में 3-4 बार जाते रहते गोरखपुर। अरे गोरखपुर से 2 दशक से ज्यादा समय के वो सांसद रहे हैं, वहां पर प्रगति हो रही है तो गोरखपुर क्यों नहीं जाएंगे? उनके गोरखपुर जाने से आपको क्या आपत्ति है? उनके बंगाल जाने से क्या आपत्ति है? अखिलेश यादव जाते हैं वो भी हम दिखाते हैं। एक सेकेंड और दे दे, मैं आपको अपनी बात पूरी बता दूं। देखिए, ये कोरोना से लड़ने के लिए फुल टाइम चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के पास टाइम नहीं है। उनको गंदी गंदी झूठी झूठी बातें करने, एकमात्र महिला सीएम के लिए करने के लिए बंगाल भी जाना है। तो बेहतर है, मेरा सुझाव है कि कोरोना को अगर वाकई कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक कार्यवाहक सीएम बनाते उत्तर प्रदेश में, इनका पद बना रहेगा और इसका प्रोटोकॉल भी रहेगा, लेकिन एक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे तो वो कोरोना के ऊपर फुल टाइम अपना अटेंशन दे सकेंगे, दिमाग लगाएंगे और एक रणनीति बनाएंगे किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। अब आदित्यनाथ जी के पास टाइम नहीं है, वो तो चुनाव खेल रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है, वो तो साल भर। प्रधानमंत्री ने तो कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, कोविड कर्फ्यू का जिक्र किया है, बार बार समीक्षा बैठक की जा रही है। खैर, राजनीति कर रही हैं आप, कोई बात नहीं, आप राजनीति कर रही हैं। राजनीति नहीं कर रही हूँ मैं वास्तविकता बयान कर रही हूँ कंचन जी। अरे आप कल देखिएगा, वो हर पोलिंग के दिन बंगाल चले जाते हैं। स्वाति महेश्वरी जी, प्रधानमंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी, स्वाति जी, अरे आप ये बताइए,
पहले तो बाकी लोग बोले। स्वाति जी प्लीज ऑडियो को कर दीजिए सबका। स्वाति जी वेयर आर वी लैकिंग? कंचन जी देखिए दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग अब वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा आ रहे हैं, पहले लोग हिचकिचा रहे थे लेकिन लोग अब डर से ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें कुछ और वैक्सीन को अप्रूवल मिलना चाहिए जो कि जरूर पहले कमेटी देखेगी, उसके बाद अगर उन्हें लगता है। दूसरा हमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की जरूरत होगी क्योंकि हमारा डेली प्रोडक्शन 26 लाख का ही है और हमारी अब रिक्वायरमेंट 35 से 40 लाख पर डे की पहुंच चुकी है। ऐसे में शायद हमें और कंपनीज को भी रोपन करना चाहिए जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करे ताकि हमारे भारत में प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन वहीं जहां ये लोग जब वैक्सीन की आपूर्ति पे सवाल उठाते हैं तब थोड़ा सा मुझे लगता है इन्हें अपनी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि जब वैक्सीन का आगाज भारत में हुआ था तब सबसे ज्यादा प्रश्न वैक्सीन के ऊपर इन्हीं लोगों ने उठाए थे, वैक्सीन के ऊपर भ्रम इन्हीं लोगों ने फैलाया था। यहाँ तक ये लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सबसे पहला शॉट लगवाते अगर ये वैक्सीन सेफ है तो, अगर ये सुरक्षित है तो ये तो लोगों को मारने के लिए इन लोगों ने साजिश रची है, बीजेपी की वैक्सीन इसको बोला गया। तो इस तरह की बयानबाजी जब शुरू में हुई आप ही लोगों ने लोगों के मन में भ्रम फैलाया और आज आप ही लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है वैक्सीन नहीं, तो बहुत ज्यादा। अलका जी जवाब दीजिए इसका कि भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की वैक्सीन इसे कहा गया है विपक्ष की तरफ से और आज आप वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए पूरे विश्व में भारत को वैक्सीनेशन का हब कहा जाता है, ये 70 सालों के हमारे वैज्ञानिकों और कांग्रेस के प्रयास से जो दो कंपनियां भारतीय कंपनियों ने ये वैक्सीन का खोज की है बनाया है वो कांग्रेस के समय पे ही वो लैब गठित की गई थी। अब इंदिरा जी के समय से पोलियो इंजेक्शन घर घर जाने तक ड्रॉप से लेकर इंजेक्शन का काम हम स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी इंजेक्शन स्कूल में आकर लगते थे। इनसे नहीं पूछना कि क्या कांग्रेस ने किया है क्या नहीं किया, अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ दीजिए। छोड़िए गुजरात पे आ जाइए, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा। अभी भी तस्वीरें आ रही हैं, लोगों को कहूंगी भावनगर गुजरात और सूरत गुजरात के हालात देख लीजिए, बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, अस्पताल के बाहर लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। और इन्हीं के भाजपा के मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दिया है और कहा है ऑक्सीजन वेंटिलेटर बिस्तर कम हो चुके हैं, क्या होगा नहीं उन्हें मालूम है, उसका जवाब कांग्रेस को नहीं देना है। साफ तौर पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, समय की कमी है हमारे सबके पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत में एक दिन की ऑक्सीजन की मांग 2000 मीट्रिक टन है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, वैक्सीनेशन ड्राइव एक तरह चलाई जा रही है, राज्यों को आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम और आप प्ले करते हैं। अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम हाइजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अब भी कोविड से बच सकते हैं। न्यूज वन इंडिया लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष ये सब राजनीति एक तरफ, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए और जब जरूरत हो तभी बाहर जाइए। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही, मंडे को फिर से होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।